किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, उत्तर भारत में ये कहा जाता है कि केले की खेती किन्हीं कारणों से नहीं हो सकती। मैंने भी निश्चय किया था कि पिछले वर्ष केला लगाऊं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर पूर्वी भारत की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री कम रहता है, ऐसा मुझे मेरे ज़िले के DHO ने बताया था, जो उद्यान विभाग अधिकारी है उन्होंने बताया था। और सर्दियों में ये पत्ते खराब कर देता है, इसलिए यहाँ पर केले की खेती संभव नहीं है। किसान साथियों, मुझे पता चला कि कई किसान हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी केले की खेती कर रहे हैं। हाँ, उनमें से एक है रजनीश त्यागी जी, जो दतियाना गांव जिला हापुड़ के रहने वाले हैं और पिछले 12 वर्षों से ये केले की खेती कर रहे हैं। किसान साथियों, मैं 3 दिन से बुलंदशहर के क्षेत्र में था। सुबह मैंने एक मेरे साथी हैं रविकांत त्यागी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी और जिसमें इनके बारे में जिक्र था, तो मैंने सोचा ये मेरे रास्ते में है और क्यों ना मैं उनसे मिल लूँ। किसान साथियों, जितनी भी वीडियो खेती पर बनाई जाती है, बागवानी पर, उनमें लाखों की आमदनी दिखाई जाती है। तो आमदनी तो हम पूछेंगे ही इनसे कि इन्होंने ये क्यों किया, चूँकि इनके पास बहुत अच्छी ज़मीन है, लगभग 30 एकड़ के करीब ज़मीन है, और इन्होंने ये सोचा कि मुझे इसमें कुछ गन्ने के अलावा कुछ और भी काम करना चाहिए जिससे कि मुझे आमदनी हो। आप सबको पता है कि हमारे उत्तर भारत में जो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं मुख्य हैं, इनमें हमारा गन्ने की खेती मुख्य है और गन्ने का पेमेंट कभी कभी 2-2 साल तक नहीं होता। तो आइए मिलते हैं हम रजनीश जी से और उनसे सवाल जवाब कर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं कि उन्होंने ये खेती क्यों किया। रजनीश जी, आपका स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। आप थोड़ा किसानों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीश त्यागी है, गांव हमारा दतियाना है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में पड़ता है जो ये है। रजनीश जी, आपने ये कब सोचा कि मुझे ये खेती, केले की खेती करनी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं डर लगा कि पता नहीं केला बिकेगा या केला सर्दी से मरेगा? ये क्या विचार आपके मन में आया? देखो, नया जब आदमी कोई काम करेगा तो उसके दिमाग में हेजिटेशन तो होता ही होता है, ये तो स्वाभाविक चीज़ है जी, पहले से ही। पर फिर भी जब आदमी मन बना ले और लगन से कोई काम करेगा तो उसमें जो है कामयाब होने के लगभग समझो कि 90% चांस तो है ही जी। तो लगभग 2012 के आसपास हम इसकी गन्ने की खेती करते थे, गन्ना, धान, गेहूं वगैरह करते थे जो है। उसके बाद में हमने मन बनाना कि भाई क्यों ना इससे अलग करा जाए, भाई गन्ने में तो इनकम है नहीं, और गन्ने में इनकम है तो उसका सबसे बड़ी समस्या इसमें ये भी है जी कि चीनी मिलों की आज की तारीख में इतनी राजनीति है हो रही है जो है गन्ने पर, समय पर गन्ना गिरता नहीं, गिरने के बाद में पेमेंट की बड़ी समस्या हो जाती है जी, लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट गन्ने की बहुत बढ़ गई जी। गन्ना बोने से लेकर पेमेंट आने तक 2 साल लग जाते हैं। 2 साल लग जाते हैं और खर्चा जो है उसका कंटिन्यू चलता ही रहता है आज गन्ने का जो है। तो उससे परेशान होकर हमने भी चलो नई फसल करते हैं, तो हमारा मन फिर केले लगाने का करा जी। तो हमने 2012 में इसकी केले की शुरुआत करी जो है। रजनी जी, ये बताइए कि जब आपने इस केले का सोचा तो इसके बारे में ये भी सोचा होगा, केले का ही क्यों सोचा आपने, आम का क्यों नहीं सोचा, अमरूद का क्यों नहीं सोचा, अनार का क्यों नहीं सोचा, केले का ही क्यों सोचा ये बताइए। केले का हमने इसलिए सोचा जी कि असल में कि कोई भी गन्ने उसका तुम्हारे आम का अमरूद का ये सब चल ही रहा है जी, तो मैंने कोई नया काम करना चाहिए, कोई नया काम, और नया काम ये अपना केले का उस टाइम अपने यहाँ थाने जी। तो एक बार हम घूमने के लिए गए थे जी महाराष्ट्र, तो वहाँ जैसे हमने देखा जो है उस केले के बारे में, अच्छा साइज़ था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और रेट भी जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट केले का एक और देखा जी हमने कि जैसे आप ये समझो कि लगभग अगर महाराष्ट्र में केले का रेट 7 रुपये किलो है तो हमारे यहाँ लगभग आप ये समझो कि वही रेट 12 रुपये पड़ जाएगा अपने आप ही। क्यों कि अगर कोई किसान व्यापारी वहाँ से लेकर आएगा 7 रुपये किलो तो 5 रुपये उसे ट्रांसपोर्ट का वहन करना पड़ेगा खर्चा, तो उसको 12 रुपये में यहाँ दिल्ली में उसका बिकेगा केला। और हमारा ऑलरेडी हम दिल्ली में हैं, हमारे पास प्लस पॉइंट ये है, तो हमारे पास ऑलरेडी जब ऑलरेडी बाजार था तो मैंने क्यों ना इसका जो है केले का काम किया जाए, तो हमने इसलिए जो है केले की शुरुआत करी। तो आपके मन में ये भी आया होगा कि जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसमें नुकसान होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो हमें साथियों को ये बताइए कि केले में जब आपने शुरू किया तो क्या क्या संभावनाएं आपको पता लगी और उनका निराकरण किस प्रकार? आदमी
सबसे पहली चीज में केले का टाइमिंग लगाने के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर आप पश्चिमी यूपी में केले का टाइम लगाने का सही रखोगे तो आप ये समझो 100% आपके सक्सेस होने के चांस हैं। अगर आप 15 जून के बाद मौसम को देखकर 15 जून के बाद पूरी जुलाई अगर आप 1.5 महीने में केला लगाओगे और उसकी सही तरीके से केयर करोगे, खाद का, पानी का, रखरखाव का, तो आप जो है समझो फेल होने का चांस है नहीं बिल्कुल भी, जो मेरा मानना है जी, जो मेरा अपना प्रैक्टिकल निजी है जी। रजनी जी, मैंने ये देखा है जो मैंने इसका सर्वे किया कि केला लगाने के लिए जो हमारी ज़मीन है, हमारी बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें पानी नहीं रुकता है, क्या केले को बेड पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो इसे बेड पर क्यों लगाना चाहिए, क्या एडवांटेज है, या बिना बेड के भी उतना ही होगा जितना कि आपके खेत में पानी नहीं भरता हो बरसात वाला। अगर आपके खेत में पानी बरसात वाला नहीं भरता हो तो आप जो है प्लान खेत में भी लगा सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी भरने के चांस हैं लगभग जो है 2-4 दिन जो भर जाता हो बरसात के मौसम में, तो आप उसमें जो है हल्का बेड बनाओ और बेड की साइड में लगाओ, ऊपर टॉप पर नहीं बिल्कुल साइड में लगाओ उसके में, तो उसमें यह है जैसे बरसात का पानी 1-2 दिन रह जाता है तो उसका पौधा ख़राब नहीं होगा आपका, वो पानी नीचे रह जाएगा। और बेड पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसमें बेड में हमेशा ही अपने स्वाभाविक चीज़ है कि उसमें फोक होती है अपने आप ही, तो उसके रूट जो है उसमें अच्छे मतलब चलते हैं पौधे के। जैसे हम ये देखते हैं कि ये हमारा बेड है जी, जी, जी। ये मान लीजिए कि ये 1 फीट चौड़ा है हमारा जी, जी, जी। तो हमें पौधा यहाँ लगाना चाहिए या बेड के बीच में लगाना चाहिए? हमें साइड में लगाना चाहिए, साइड में हमें साइड में लगाना चाहिए। हाँ जी हाँ, तो साइड से ये हो जाएगा कि आपका पौधा जैसे पानी लगेगा ना तो इस साइड में लगेगा पानी, तो इसकी नमी जो है पौधे पर अपने पहुँच जाएगी ऑलरेडी पौधे, ये है जिसमें। अच्छा, ये देखिए, ये इन्होंने नॉर्मल जमीन में लगाए हुए हैं पौधे, कोई बेड नहीं बनाया, और आप देखिए इस तरह से जब पौधा बड़ा होता है तो इस पर इन्होंने ये मिट्टी चढ़ाई हुई है, ये मिट्टी चढ़ा दी है ताकि इसके दो ही कारण होते हैं कि पौधे को सपोर्ट मिले कि पौधा चूंकि लंबा होता है तो पौधे को सपोर्ट हो, ये तो हुआ इसका बात। एक दूसरा कारण ये भी है जी इसमें मिट्टी लगाने का कि जब केले की जड़ में सीधा पानी जाएगा तो इसमें फंगस आने के चांस हो जाते हैं जी, फंगस आने के चांस हो जाते हैं। किसान साथियों देखिए, मैं अमरूद और नींबू में भी यही कहता हूँ कि जड़ पर तने पर पानी छूना नहीं चाहिए, अगर आपके तने पर पानी छूता है वहाँ नमी पहुँचनी चाहिए तने तक, तो आपका फंगस के रोग और जो जड़ गलन रोग होता है वो सबसे अधिक होता है, और जड़ गलन में अगर एक बार जड़ चोक हो गई तो उससे बहुत सारे रोग होते हैं, फ्यूजेरियम फंगस भी होती है, रेजेक्टोनिया भी होता है, और पौधा धीरे धीरे आप रजनी जी जब हम इसको पौधे को लगाएंगे तो खेत की क्या तैयारी करनी चाहिए हमारे को कि किस प्रकार और कितना खाद हमें देना चाहिए पौधा लगाते टाइम, और किस प्रकार तैयारी करना चाहिए ये बताइए। सबसे पहले तो हमें जो है मई के महीने में जब गेहूँ कट जाता है या आपका खेत कोई खाली हो, आपने कोई फसल लगाई हो, पहले तो आप उसे कंप्यूटराइज मशीन से लेवल करवाओ खेत का। उसके बाद में आप ये समझो कि लगभग कम से कम 6 ट्रॉली गोबर वाली खाद जो होती है वो 6 ट्रॉली एकड़ में लगना चाहिए। 6 से ज़्यादा हो जाओ तो बहुत दी बेस्ट है जी, वो 10 ट्रॉली हो जाओ या 12 हो जाओ, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा गोबर वाली खाद वो अच्छा होता है जी। उसके बाद में जो है आप उसको मिलवा दो अच्छी तरीके से, ठीक है जी। फिर जो है मिलवाने के बाद में उसमें पानी निकाल दो आप, तो गोबर की जो गर्मी वगैरह होती है जो उसमें फंगस आने के चांस हो जाते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं आपके जो है। फिर उसकी दोबारा तरीके से जुताई कराओ, और फिर जैसा आपको लगाना हो, भाई अपने 7x5 पे लगाना है या 6x6 पे लगाना है या फिर जो बेड पे लगाना है, तो उसको आप निशानदेही कर लो उस तरीके से, और उसके बाद में फिर जो है हाथ से अपना गड्ढा लगाओ, खोदो और लगा कर पानी लगा दो साथ के साथ, जैसे जो है पौधा आपका बहुत कम मरने के चांस ना के बराबर रह जाएंगे आपके। अच्छा रजनी जी, यहाँ पर एक चीज़ का सवाल उठता है, कुछ भाइयों के खेत में दीमक होती है और गोबर के खाद में मैंने अधिकतर भाइयों को देखा है कि गोबर क्या करते हैं कि गोबर को डालते रहते हैं, ऊपर से सूख जाता है और जब उसे डालते हैं तो उससे गिडार आती है हमारे खेत में, तो ये दीमक और गिडार के लिए जब हम खेत में गोबर मिलाएंगे और डलाएंगे, क्या उसका कभी आपको समस्या आई है उसके लिए, और अगर आई है तो उसका क्या उपाय किया है आपने? देखो दीमक की तो ये है मामला कि आपने भी सुना होगा, बुजुर्ग लोग बताते थे हमें जो है कि जहाँ केला का पौधा होता है तो वहाँ दीमक ऑलरेडी अपना भी ख़त्म हो जाती है, उस खेत में जो है कभी दीमक होती नहीं। आप ये समझोगे अगर आसपास भी आपका दीमक है ना और आपने बाग लगा लिया केले का, तो आपकी दीमक अपना भी ख़त्म हो जाएगी यहाँ के खेत की।
अच्छा, रही बात गिनार की वो ऐसी कोई समस्या इसमें है नहीं, हल्की फुल्की लगती है उसका, स्प्रे हो जाता है दवाई का तो वो उसका अपने आप निस्तारण हो जाता है, ऐसी कोई घनी बात समस्या नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई बाग है और उसमें दीमक की समस्या है और उसके चारों तरफ हम केला लगा दें तो कुछ हद तक वो समस्या हमारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, मैं कहूँ 100%। आप प्रैक्टिकल करके देखें आज इस चीज़ का जी। देखिए किसान भाइयों, ये कितनी अच्छी बात निकली कि अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या है और आपके पास प्रचुर मात्रा में पानी है तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा रजनीश जी, आप ये बताइए कि इसमें जब हम पौधे की खेत की तैयारी हो गई, हमने जुताई करा ली, सब काम हो गए, अब हमें कौन सी वैरायटी की पौध लगानी चाहिए और ये कितने रुपए की पौध आती है, और तीसरी चीज़ है कितनी डिस्टेंस पर लगाना चाहिए, आइडियल डिस्टेंस क्या है आपके 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखो दी बेस्ट तो इसका है 7x5 पे लगा सकते हो आप, और एक तरीका हमने जो इस साल लगाया है वो भी अच्छा तरीका है, 5x7 कह दो या 7x5 और पौधे टू पौधा 7। नहीं नहीं, ये बलराम यादव जी, बलराम किसान बताते हैं, मैं बताता हूँ इसमें उल्टा कर लो इसका आप। अच्छा, लाइन टू लाइन 7। अच्छा, एक लाइन 7 फुट जगह, फिर लाइन दूसरी लाइन। अच्छा, और पौधा टू पौधा 5 फुट होना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये है जो हमने इस साल लगाया है कि हमने 2 लाइन 6 फुट पे लगाई है, 2 लाइन 6x6 फिर बीच में अगले जो 10 फुट का गैप दिया उसमें हमने 10 फीट छोड़ दिया। हाँ जी हाँ। अच्छा, फिर 2 लाइन 6 फुट पे लगाई। अच्छा, तो इसी तरह ऐसा साइकिल चलता बनता चला गया पूरे खेत का वो। और पौधे से पौधे की दूरी? पौधे से पौधे की 4 फीट रखी है जी। तो इसमें ये फायदा हुआ कि लगभग 25 पौधे, तो लगभग 150 पौधे तो फल तो आए हमारे एकड़ में। अच्छा, ज्यादा उसके मुकाबले 7x5 के मुकाबले। और जो 10 फुट की जगह है उसमें एक तो हमें निकलने में घूमने में बड़ी सुविधा है, और इसमें तुम सह खेती भी कुछ कर सकते हो। 10 फुट की जगह में आप 6-7 महीने जब तक आपका फरवरी का मौसम आता है उस टाइम तक आप जो है सह खेती भी उसमें कर सकते हो, सब्जी लगा सकते हो। हाँ, एक आध लाइन आप उसमें गन्ने की भी लगा सकते हो, अगर आप इच्छुक है गन्ना लगाने के तो उसमें गन्ने भी लगा सकते हो। अच्छा, ये लाभ है इसका। और जो पौधे की वैरायटी है ये G9 वैरायटी, केले के अपने जो पश्चिमी का अब तो ज्यादातर ऑल इंडिया में यही वैरायटी हो रही है जी, G9 का अच्छा इसका रिजल्ट है। टिश्यू कल्चर वाला पौधा होना चाहिए आपका। अच्छा, कितने रुपए का पौधा मिलता है आपके यहाँ से? ये अपने अवेलेबल कराएंगे? हाँ, अवेलेबल करा देंगे। ये हमारे यहाँ 16 रुपए का प्लांट है इस साल जो अवेलेबल करवा रहे हैं। कितने इंच का पौधा होता है? 1 फिट के आसपास मान के लो, 1 फिट, 10 इंच से लेकर 1.25 फिट तक पौधा है जी। तो किसान साथियों, जिन भाइयों को अगर इस केले की खेती में इंटरेस्ट है, एक बात का ध्यान रखिए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, कभी भी किसी की बात पर विश्वास इतना अधिक मत करिए कि आपके पास 30 बीघे ज़मीन है और 30 बीघे में आप केला लगा दें। आप उसे 1 एकड़ से शुरू करिए, कोई भी काम हो सकता है मैं रजनीश जी से मिलकर इनका प्रचार कर रहा हूँ या मैं इनसे कह रहा हूँ इनकी बिक्री बढ़वा रहा हूँ, कुछ किसान भाई मुझे कहेंगे भी कि इनकी बिक्री बढ़वा रहे हैं, आप इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप इनके यहाँ से पौधे ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी नर्सरी से पौधे मंगाते हैं, खुद नहीं बनाते लेकिन उनकी हार्डनिंग करते हैं, पौधे का साइज बढ़ जाएगा, पौधा जब आप ले जाएंगे वो मरेगा नहीं, और 16 रुपए का पौधा ये आपको देंगे। तो आप जनवरी के बाद में इनके पास बुकिंग करा सकते हैं पौधे। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने पौधे लगाए, जनरली हम ये करते हैं, मैंने बहुत से भाई देखे कि पौधा लगा दिया और अमरूद का, जैसे मैंने अभी आपका अमरूद का पौधा देखते ही बताया कि इसमें दो गलतियां हैं, इनको ठीक करिए। क्या गलतियां अमूमन किसान करेंगे पौधा लगाने के बाद में? 2-3 जो अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि वे क्या गलतियां कर सकते हैं और उनको ना करें, उन बातों का ध्यान रखें जिससे उनकी फसल ठीक हो। समय सबसे पहली चीज़ तो होती है कि टाइमिंग, केले में जो है उपयुक्त टाइम होना चाहिए लगाने का अपना क्लाइमेट में, 15 जून से लेकर जुलाई 20-25 जुलाई तक जो है आप लगाओ। उसके बाद में अगर कोई आप सलाह दे तब भी नहीं लगाना चाहिए, जो मेरा मानना है। अच्छा, ज़्यादातर जो सितंबर जो अगस्त के महीने में जाएंगे वो मैंने देखे हैं लगभग 90% किसान फेल हो जाते हैं जी। अच्छा, जो सर्दी आती है ना, मैंने हमारे यहाँ जो नुकसान है वो जो एक सर्दी का मामला रह गया जो है हमारे इसमें, अगर आप सितंबर उसमें जून और जुलाई में केला लगाओगे तो उसमें इतनी मेहनत करो, इतनी केयर रखो उसके लिए कि सर्दी तक 8-7 फुट का आपका पौधा हो जाए। अच्छा, जब आपका 8-7 फुट का पौधा हो जाएगा तो उस पर जो अगर पाला पड़ेगा सर्दी में डैमेज करेगा पौधा, तो आपका पौधा वो ख़राब नहीं होगा, पर पत्ते तो उसके सूखेंगे, पर जैसे ही फरवरी आएगी वो पौधा कवर कर लेगा उसको जो नुकसान उसका हुआ है। अगर आप उसको जो है अगस्त के महीने में लगाओगे पौधे को, तो वो छोटा पौधा होगा, उसको सर्दी पड़ेगी तो पौधा आपका वहाँ का वहीं ख़त्म हो जाएगा वो। तो लिहाजा हमें सबसे पहली चीज़ है टाइमिंग पौधा लगाने का। उसके बाद में
किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आदमी को रहना चाहिए कि उसकी खाद लगाने का तरीका किस टाइम लगना चाहिए, दवाई कौन सी फंगस की क्या दवाई है या किस टाइम उसका जो है इस्तेमाल होता है, तो उसके टच में रहना बहुत ज़रूरी है पहले बार किसान के लिए। जब बाद में जब एक बार कर लेता फिर तो आदमी जानकारी तो होती है। फंगस की बीमारी आ सकती है, आ सकती है फंगस के चांस है केले में आने के, बस केवल आने के लिए। कौन सी मतलब दवाई यूज करते हम तो जब तक कार्बन रंजिम लगवाते हैं, कार्बन रंजिम लगवाते थे, अगर ज्यादा समस्या है तो सीओसी का फिर उसका ड्रिंचिंग करवा देते थे। और कोई नहीं, निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई तो करनी पड़ेगी, सावधानी मतलब निराई गुड़ाई करते, जैसे मैं कहता हूँ कि तने से एक फीट दूर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो है भाई तने से आप एक फीट जुताई अगर करवानी है तो एक फीट दूर रखो और लाइन अपने लेवर से साफ सफाई करवा। और खाद में क्या मतलब देना है? खाद में ये लगता है महीने के बाद, एक महीने के बाद डीएपी लगता है, पोटास लगता है, यूरिया लगता है, और जैसे तुम्हारा 1919 का इसका स्प्रे वगैरह उसमें कंटिन्यू चलते रहेंगे जी। तो किसान साथियों, इन्होंने चार मुख्य बातें बताई हैं कि पहला बताया है टाइमिंग कि आप 15 जून से लेकर 20-25 जुलाई तक ही पौधे का पौधारोपण करें। रामशरण जी तो 15 जून से 30 जून तक ही लगाने की बात करते हैं और इन्होंने सिर्फ उसे 20 जुलाई तक बढ़ाया है, क्योंकि इनका भी अपना एक्सपीरियंस है। हमने लगाया हुआ है इस बार, हमने एक बाग 14 जुलाई लगाया था, आपने देखा होगा वो बाग, उसकी हार्वेस्टिंग अब तक हो चुकी, मतलब आप समझो एक महीने पहले उसकी पूरे अक्टूबर में उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी। और दूसरा इन्होंने बताया है कि पौधे को उसका पानी का ध्यान रखना है कि भाई उसमें जो है ना कोई लगाते टाइम कोई खाद नहीं डालना है और उसके पानी का ध्यान रखना है आपको। तीसरा इन्होंने बताया है कि खाद एक माह होने के बाद जब पौधा चल पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी खाद, वही आपकी डीएपी और आपका पोटास, ये चीज़ पड़ेंगी। और एक अधिकतर जो देखी गई है वो फंगस की बीमारी है जिसमें कि कार्बन डीजम का हम स्प्रे करते हैं, लेकिन किसी अनुभवी किसान की या व्यक्ति की देखरेख में, ऐसा ना हो कि आप सोचे फंगस आ गई और मैंने उसमें ये कर दी है। और एक चीज़ इन्होंने बताई है कि भाई अगर आप इसको जो इसके आसपास है जब मिट्टी लगाएंगे, तो ये चार चीज़ें इन्होंने मुख्य रूप से बताई हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि कितना बड़ा हो जाएगा पौधा जब हम उसे अगर 15 जून से उस लगाएंगे तो दिसंबर तक कितना बड़ा हो जाएगा? देखो वो अपनी केयर के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, हम तो भाई साहब जी बताते हैं, जैसे ये पौधा खड़ा है। हाँ जी, ये दिखाइए, ये पौधा खड़ा है, ये कितने महीने का पौधा है? ये मेरी निगाह में जैसे हमने जो पिछले इसका जो पौधा छोड़ा था ना वो लेट हो गया ये, इसीलिए इसका फल लेट है ये। अच्छा, अगर जो आप इसको जून के महीने में पौधा लगता ना वो, तो अब तक ये कट चुका हुआ था पौधा ये। मतलब अगर जून में हम पौधा, साथियों देखिए मजे की बात है कि अगर 15 जून को आप पौधा लगा देंगे तो अक्टूबर में, अक्टूबर तक आपका खेत हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो अक्टूबर तक आप उसका फल ले लेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसे करूँगा। तो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा उससे मतलब एक महीना लेट हुआ होगा इनका, तो ये जो फल आया है इसीलिए नहीं कटा अभी। मैं यही नुकसान है केले में, जो लोग जुलाई से बाद में अकेला लगाते हैं ना, उनकी साथ में ये समस्या होती है, फल उनका जो है लेट आता है और लेट आने के बाद में सर्दी के उससे मैच्योर नहीं होता फल वो। किसान साथियों, मैंने इस तरह से अपने अमरूद की कटिंग की थी कि मेरा जब नवरात्रि हुए थे और दशहरा था, अमरूद की मेरे पास इतनी मतलब डिमांड थी कि मेरे पास अमरूद नहीं थे, और मेरा अमरूद तब ख़त्म हो चुका था जब मार्केट में अमरूद शुरू हुआ था, और फिर आपको सबको पता है कि वो क्या कहानी है। इसलिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, आप लगाइए और थोड़े से शुरुआत कीजिए करने के लिए। अच्छा रजनीश जी, कुछ और संदेश मतलब इस बारे में देना चाहेंगे आप? कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि भाई किसानों को जो उन्हें फ़ायदे दिए? बस संदेश तो यही है जी, देखो समय के साथ में मेरा कहने का मतलब, अगर जैसा आपने बताया अभी कि आपके पास 30 बीघे ज़मीन है, तो आप एक साथ किसी काम की शुरुआत मत करो। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास 30 बीघे ज़मीन है तो थोड़ा थोड़ा आप उसमें, जैसे बागवानी है, केले की बागवानी हो गया, एक एकड़ आप गेहूं भी करिए, धान भी करिए, गन्ना भी करिए, एक एकड़ अमरूद भी लगा सकते हो, फिर नींबू भी लगा सकते हो, उससे लगा और भी, मतलब एक चीज़ पर डिमांड ना रहे, थोड़ा थोड़ा सभी फसल जो है। रजनी जी ये बताइए, आपने बागवानी में कितनी फसल लगाई हुई है? एक तो केला हो गया, केला है, नींबू है, लेमन है, चलो लेमन है, और जो है तुम्हारा पपीता लगाया हुआ है जी, पपीता, आम का बाग भी है अपना जी। अच्छा आम का, तो इनके पास जो 30 एकड़ जमीन है उसमें से इन्होंने केला कितने एकड़ में लगाया है? केला तो लगभग 8-9 एकड़ है, 8 एकड़ के करीब केला है, और नींबू,
नींबू लगभग है 3 एकड़ के आसपास जी। 3 एकड़ लेमन है इनका और जो पपीता है 2 एकड़ पपीता लगा है। पपीता है, इन्होंने मुझे पपीते का पेड़ दिखाया जो लेमन के बीच में 2 साल तक इन्होंने लिया और 3-4 पेड़ छोड़े हुए हैं जो बहुत ऊंचे हो गए हैं और उस पर अभी पपीते लगे और एक है आम का बाग। किसान साथियों, हमें किसी भी काम को अगर आप प्रबंधन के सिद्धांत को मानते हैं, हमें कोई भी काम पूर्ण रूप से एक ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपको 5 एकड़ अमरूद लगाने हैं, आपके पास ज़मीन अधिक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कम से कम 3 वैरायटी लगाइए, एक वैरायटी के पीछे मत जाइए। इसी प्रकार आपको फसल भी कई लगानी चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा आपको इनके केले का विचरण कराता हूँ। मैं पहले थोड़ा विचरण करते हैं, अरे ये देखिए, ये किस वर्ष का पौधा था ये वाला? इस साल का पौधा था, इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये जून में लगा था पिछले साल? नहीं, जून में छोड़ा था हमने। अच्छा। ये जो हमारा बाग है, ये 7 ही बार कट चुका है केले का, एक बार का लगाया हुआ। अच्छा, वो ऐसा के चलता रहता है इसका जैसे। किसान साथियों, ये बाग इनका 7 बार कट चुका, ये 7वीं फसल थी इनकी और ये इन्होंने पिछले साल इसकी जो छोड़ा था जून के बाद में छोड़ा था जी, जी। और इसकी हार्वेस्टिंग ले चुके हैं ये, बिल्कुल आप देखिए इससे सब खत्म हो चुका और धीरे धीरे इसको ये गिर जाएगा, इसको हटा देंगे। अच्छा। बाद में इसके अगले साल इस पर हाँ, जनवरी में इसको हटा देंगे अगले साल इसके बराबर में जो और इसकी बराबर में जो ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया, इस पर फल आएगा और साथ में भी देखिए ये निकल रहे हैं। इनका प्रबंधन अलग तरीके से होता है, ये कटती रहेंगी समय समय पर। आप ये देखिए इसमें कहीं भी इन्होंने बेड का सिस्टम नहीं बनाया है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से 6 फीट पर पहली 2 लाइन करें, फिर 10 फीट जगह छोड़ें और फिर 6 फीट करें, तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से 210 पेड़ 1 बीघा में लगेंगे। हमारे यहाँ भी जो 6 बीघे का 1 एकड़ होता है वही 43,500 स्क्वायर फीट या 4,046 स्क्वायर मीटर, तो 1 बीघे में आपके 210 पेड़ लगे। तो मैं जैसे 3 बीघे की सोच रहा हूँ तो मेरे 630 से 650 पेड़ लगेंगे इस प्रकार जो ना। उन 650 पेड़ से हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे मान लीजिए 50 पेड़ हमारे ख़राब हो गए या कमज़ोर रह गए, 600 पेड़ हमारे ठीक हुए और मैंने सही तरीके से उनकी देखभाल की, तो मुझे कितना फल प्राप्त होगा? अगर आप अच्छा केला करोगे भाई, समय पर उसकी देखभाल करोगे, खाद पानी के वगैरह की केयर करोगे, तो आप ही समझो 30 किलो पर पौध प्लांट का एवरेज आएगा, 30 किलो पर प्लांट का एवरेज आएगा आपका आएगा, ठीक है जी। और जो है आप लगा लो 30 किलो के हिसाब से, अगर हम 10 रुपये किलो भी माने तो आपका 300 रुपये का एक प्लांट हो गया, और हमने 600 पौधे आपके बाग में माने वो, तो लगभग 6 या 18 लगभग 1,80,000 के लगाओ आपका 3 बीघे में बैठेगा जो इनका आपको होगी उससे जो है। तो किसान साथियों, इस सिद्धांत को समझिए कि 3 बीघे जो मैं लगाने जा रहा हूँ या कोई के मान लीजिए कोई भाई है तो उसको 600 पौधे लगेंगे, 600 पौधों में से अगर 30 केजी प्रति पौधा उतरता है तो आप ये समझिए कि 18,000 केजी आपका फल उतरेगा और 10 रुपये केजी भी, ये तो कह रहे हैं कि मेरा 12 रुपये बिकता है, 12 से कम कभी नहीं बिका, 15 भी बिकता है कि 12 से कम कभी नहीं बिका, लेकिन फिर भी हम छोड़ देते हैं 10 रुपये केजी हमारा खेत पे से बिक जाएगा, तो आपको 1,80,000 3 बीघे में से और आपको कुल 8 माह की, मतलब आप 8 माह भी छोड़ दीजिए, 1 साल की फसल हो गई आपकी, फिर अगली बार तैयार हो, 1 साल में मिले 1,80,000। 1,80,000 में से हमारा अगर हम लगाते हैं 20 रुपये का भी पौधा लगाते हैं तो 20 × 600 तो 12,000 रुपये के तो मेरे वो हो गए, मैं आपको पौधे हो गए, तो कितना खर्चा आएगा? टोटल खर्चा जो इसका आएगा वो 1 एकड़ का खर्चा जो आएगा लगभग 50-60 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये प्रति बीघा हमारे यहाँ, यानी 60,000 रुपये एकड़ को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 10,000 रुपये, तो मेरा 30,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मुझे 1.5 लाख की आमदनी मिली उससे। अच्छा, उसे भी मैं और कम कर देता हूँ, आप और लगा लीजिए कि भाई मैं शौकीन आदमी हूँ, 2 मजदूरों का भी है उसमें, 50,000 और कर दिया
तो 3 बीघे में से 1 लाख की आमदनी का मतलब ये है, 10,000 और कम कर दीजिए, 30,000 रुपये नगद आपके हाथ में आएंगे पर बीघा, जो कि गन्ने में मैंने आज तक नहीं सुने हैं, गेहूं में नहीं सुने हैं। ये तो हुई इसकी बात, लेकिन यहाँ भी वो लाखों की आमदनी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समय पर पानी देना पड़ेगा, बाग में जाकर ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, और ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, और कोई चीज़ जो आप बताना चाहें किसान भाइयों को जो मतलब शुरू करना चाहते हैं? केले केले का अपना यही है जी, अपना जो है इसका अब टाइम चल रहा बुकिंग का पौधों का, जहाँ भी जहाँ भी लोग बाग इच्छुक हों है उनका करन बुकिंग करा दें, और जून के जो कोशिश यही करें कि जो है 15 जून से पूरी जुलाई तक जो है लग जा पौधा आपका। किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इनसे काफ़ी देर बात की, अगर आपके गेहूँ कटते हैं लगभग 20 अप्रैल तक गेहूँ कट जाते हैं, आप उसमें तुरंत कटने से पहले थोड़ा पानी दे लीजिए, उसमें खाद डालिए खूब दबाकर, और उसमें ढैंचा, देखिए हमारे ग्रुप में हमेशा ये बात होती है कि ढैंचे से हमें कार्बन बहुत मिलती है, और कार्बन जीवाणुओं के सर्वाइवल के लिए यानी उनके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाद भी देंगे और जीवाणु काम करेंगे तो वो बिना कार्बन के नहीं करेंगे, तो आप ढैंचा बोइए और मई के अंत तक आते आते उसे फिर पूरे को बहा दीजिए, और लगभग उस टाइम गर्मी बहुत होती है, वो पानी 10 दिन में सूख जाएगा, और आप हर तरीके से उसकी खेत को अगले 10 दिन में तैयार कर सकेंगे, और इस प्रकार 20 जून तक आप केला लगा सकते हैं। अगर आपको रजनीश जी से पौधे चाहिए तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप इन्हें फ़ोन करिए और बुक करिए, और अगर कोई संशय है आपके दिमाग में वो भी इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मुझे लोग करते हैं कि आप 9 बजे 10 बजे इस प्रकार गांव में 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा दिन में इस बात का ध्यान रखें। किसान साथियों, ये था हमारा प्रेजेंटेशन के केले की खेती के ऊपर, मैं रजनीश जी से मिलने आया था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या कुछ और कमी रह गई। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।